आगे के एक महीने के लिए मैं राइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता लगाएंगे कि अगर हम राइस को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, अगर हम हमारी एनर्जी उसको देते हैं या फिर हमको उसको फील कराते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तब उस राइस के ऊपर क्या असर होता है। तो मेरे साथ में बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर मासारू इमोटो के बारे में। जब वो पानी के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया, लेकिन वो डटे रहे और 40 साल तक उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि पानी के अंदर भी एक एनर्जी होती है। तो दोस्तों, अगर हम पानी के ऊपर अगर ये एक्सपेरिमेंट करते, तब हमारे खुले आँखों से ये देखना हमारे लिए मुश्किल था, तो इसीलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट राइस के साथ में किया। शीशी और उसके अंदर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा राइस फील किया हुआ है, कि जिसके ऊपर हम लोग ने एक के ऊपर लिखा है लव और दूसरे के ऊपर हम लोग ने लिखा है हेट। दोनों राइस को मैं कुछ पॉजिटिव बातें करूंगा और दूसरे वाले को जहां पे मैंने हेट लिखा है उससे मैं नेगेटिव बातें करूंगा, और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इन दोनों के ऊपर क्या असर होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लव, जिसके ऊपर हम लोग ने लिखा है, उससे मैं बहुत ही पॉजिटिव बातें करूंगा, कि जिसको मैं कहूंगा कि आई जस्ट लव दिस राइस। जब भी मैं ये राइस खाता हूँ या जब भी मैं ये राइस सेवन करता हूँ, आई फील हेल्दी, आई फील मोटिवेटेड, आई फील इंस्पायर्ड, आई जस्ट लव दिस राइस, आई जस्ट लव दिस राइस। और ये जो सेकेंड वाला है, इसको मैं बहुत ही नेगेटिव बातें करूंगा इसे, और देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या असर होता है। इसको मैं कहूंगा, यू आर डेविल, आई हेट दिस राइस, आई हेट, यू आर डिस्कस्टिंग, आई जस्ट हेट दिस राइस। देखते हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन दोनों शीशियों के ऊपर, इन दोनों राइस के ऊपर क्या असर होता है। टुडे इज डे नंबर 2। कि कल जब हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे, तब उसके अंदर कुछ हुआ है क्या, राइस में कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइस में कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा अभी भी वाइट है। और ये दूसरा जो, जिसके ऊपर हम लोग ने हेट लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मॉइस्चर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। Day 3, देखते Day 3 पे क्या असर हुआ इन दोनों के ऊपर। हीट वाले को देखते हैं, कुछ ज्यादा असर है नहीं। बस थोड़ा सा मॉइस्चर है। ज़्यादा असर है नहीं,
सो डे थ्री पे कोई भी मूवमेंट नहीं. सो दिस इज डे नंबर फोर एंड देखते दोनों के ऊपर क्या असर है. सो डे नंबर फोर पे भी लव ऑलमोस्ट सेम है और हेट के ऊपर काफ़ी शॉकिंग असर हुआ है. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक डॉट्स आ चुके हैं, कुछ येलो भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर और ये कुछ फंगस पकड़ लिया इसने. तो ये एकदम शॉकिंग रिजल्ट है डे फोर पे, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है. सो दिस इज डे नंबर फोर, लेट्स वेट फॉर सम मोर डेज. आज का डे नंबर 14, तो सबसे पहले लव को देखते हैं. राइस अभी भी कम्प्लीटली वाइट है, बस सुबह में जब देख रहा था बस एक ब्लैक कलर का डॉट मुझे दिखा जो कि यहाँ पे है. 14 डेज के बाद में एक ब्लैक कलर का बस डॉट, जिसे आप फंगस कह सकते हैं, वो फंगस आया ऑलमोस्ट 14 डेज के बाद में. तो कम्प्लीटली एकदम अच्छा राइस है अभी भी. और हेट को देखते हैं, कम्प्लीटली शॉकिंग रिजल्ट है. जिधर भी देखोगे वहाँ पे आपको फंगस ही फंगस नज़र आता रहेगा. डे नंबर 14 का रिजल्ट देखते हैं आगे और क्या होता है. हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ऑलमोस्ट 30 डेज़ का वो कंप्लीट हो चुका है और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट है कि जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ. आप लोगों ने देखा रहेगा कि कल तक ऑलमोस्ट 14 डेज तक जो हेट वाला जो राइस था उसके ऊपर एकदम भयानक उसके ऊपर असर हुआ था, एकदम शॉकिंग रिजल्ट था. और जहाँ पे लव वाला राइस था उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था. तो आज का जो दिन है वो ऑलमोस्ट 21 डेज़ का ये पूरा कंप्लीट साइकिल था. मैंने सोचा था कि इसको मैं एक महीने तक कंटिन्यू करूँगा, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही डेंजरस था और मैं इसको 1 मंथ तक नहीं ले पाया. फिर भी 21 डेज़ तक इसके ऊपर क्या असर हुआ है मैं आप लोग को सामने शो करने जा रहा हूँ. तो आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने लव लिखा है उस लव वाले राइस के ऊपर बस थोड़ा सा हल्का सा वो येलो गिरा है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये कम्प्लीटली जैसे कि जैसा है. मतलब इसको ऑलमोस्ट मैं अगर प्लेट में लेता और खाता भी हूँ तो फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन मैं नहीं खाने वाला. और ये सेकेंड जो था ये हेट, जिसको आप देखेंगे कि कम्प्लीटली शॉकिंग रिजल्ट है, एकदम शॉकिंग. पूरा का पूरा फंगस पकड़ लिया है जो कि वाइट भी हो चुका है. आपको अलग अलग ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, देखिए येलो काफ़ी तरह से एकदम गंदा वाला राइस दिख रहा है ये, कि जैसे कि ये राइस है ही नहीं है, कुछ तो पॉइजन है. तो देखा दोस्तों कि कितना शॉकिंग रिजल्ट था राइस के ऊपर. तो इमेजिन कीजिए कि जब हम हमारे बच्चों के साथ में या फिर हमारे खुद के साथ में या फिर हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ में, हमारे समाज के साथ में जब भी हम बातें करते हैं तब वो बातें हम नेगेटिव बातें करते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नेगेटिव ही बातें करते हैं और नेगेटिव बातों का असर अगर ये राइस के ऊपर ऐसे हो रहा है तो इमेजिन कीजिए कि हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होता रहेगा. है ना शॉकिंग? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा रहेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% पानी है. तो पानी में एक एनर्जी तो ज़रूर है, जो कि आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि अगर हम पानी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं तब उसके ऊपर क्या असर होता है, और अगर हम हमारे खाना या फिर हमारे पानी उसके ऊपर अगर हम नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते तब उसके ऊपर क्या असर होता है. तो जब भी आप किसी से बातें करेंगे या फिर जब भी आप किसी से भी मिलेंगे तब हमेशा याद रखिए कि आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है. देखिए दोस्तों, ये
ये कहने के लिए बहुत आसान है कि पॉजिटिव बातें करो, लेकिन हालांकि हमारे आसपास का जितना भी सराउंडिंग है उससे अगर उसी वातावरण में हम लोग रहेंगे तो हम लोग पॉजिटिव तो बन नहीं पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जब भी पानी पिए या फिर जब भी आप खाना खाएं, अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया है या फिर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तब उस टाइम पे पानी या फिर खाना बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पानी और खाने के अंदर एक एनर्जी है। अगर आप उसी फीलिंग से अगर आप खाना खाएंगे या फिर उसी फीलिंग के साथ में आप पानी पिएंगे, इमेजिन कीजिए कि वो पानी या फिर वो खाना आपके शरीर को एक अलग से एक एनर्जी देता है, और उसी एनर्जी के साथ में अगर आपने खाना खाया, मान लीजिए कि आपने नेगेटिव एनर्जी के साथ में वो खाना खा लिया, तब आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। जो आदमी अंदर से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप लोग देखेंगे कि उसको अलग अलग बीमारी है, और वो जो बीमारी है कई बार तो ऐसी ऐसे मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है कि अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन फिर भी बीमारी है और वो बीमारी उनकी ठीक नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सोचो भी पॉजिटिव, और जब आप बातें करोगी वो भी पॉजिटिव, तब आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर होगा। अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे और नेगेटिव ही बातें करोगे, तब आपकी बॉडी के ऊपर तो ये शॉकिंग रिजल्ट आना ही आना है। तो जो आपने राइस के ऊपर देखा, सेम टू सेम अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आगे से जब भी आप किसी से मिलेंगे या फिर जब भी आप किसी से बातें करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए। और उसके लिए मैंने आपको एक नुस्खा भी बताया है, एक छोटी सी आपको मैंने ट्रिक बताई है कि जब भी आप गुस्से में हो या फिर जब भी आप फियर में हो, उस टाइम पे खाना या पानी बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आने वाले दिनों के अंदर मैं ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।